सातों विधानसभा में जहाँ माता पी के मतगणना हो रही है, मैं वहाँ चंपा हूँ। और यहाँ का अभी तक का जो विधान हुआ है सातों विधानसभा का, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये काराकट से माले प्रत्याशी है जिनका अभी तक रुझान आया है 54,037। दूसरे नंबर पर है काराकट से एनडीए प्रत्याशी राजेश्वर राय, जिनका रुझान आया है 45,285। और मैं आता हूँ डिहरी विधानसभा के महागठबंधन से फतेह बहादुर सिंह, जिनका मतदान आया है 55,991 अभी तक रुझान आया। वहीं दूसरे स्थान पर हैं डिहरी से एनडीए प्रत्याशी सत्यनारायण यादव, जिनका अभी रुझान आया है 54,427। अब आते हैं चेनारी विधानसभा से महागठबंधन मुरारी प्रसाद गौतम, जिनका अभी तक रुझान है 27,017। दूसरे नंबर पर है एनडीए प्रत्याशी ललन पासवान, जो पहले भी विधायक रहे हैं, उनका आया है 34,730। वहीं आते हैं क्रहगर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में है संतोष कुमार मिश्रा, जिनका अभी तक आया है 26,909। और क्रहगर से है एनडीए प्रत्याशी वशिष्ठ सिंह, जिनका अभी तक रुझान आया है 27,642। वहीं आते हैं नोखा विधानसभा से आए हैं अनीता देवी, जो पहले भी पर्यटन मंत्री रह चुकी हैं, और अभी उनका आया है रुझान 42,887 महागठबंधन से है। और दूसरे पौधान पर हैं एनडीए प्रत्याशी नागवेंद्र चंद्रवंशी, जिनका आया है 32,499। अब आते हैं दिनारा विधानसभा से राजेंद्र सिंह, जो एलजेपी से हैं, उनका आया है 36,907। और दूसरे नंबर पे हैं आरजेडी से विजय कुमार मंडल जी, जिनका आया है 34,803। अब आते हैं सासाराम से राजेश कुमार गुप्ता जी, जो राजद प्रत्याशी हैं, उनका आया है 36,151। और दूसरे नंबर पर एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार, 23,491। अभी तक ये लमसम में 4:30 बजने को है, ये अभी तक का रुझान आया हुआ है। और अभी तक रुझान चल ही रहा है, अभी पूरा क्लियर नहीं किया जा सकता है कौन किस प्रत्याशी जीत पाएंगे। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।